हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी M15 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के ब्लूटूथ को दूसरे डिवाइस से आप कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन का क्विक पैनल ओपन करना है। ऊपर से नीचे आप स्लाइड करेंगे तो आपका एक क्विक पैनल ओपन हो जाता है। इसमें देखिए आपका ये ऑप्शन है ब्लूटूथ का, यानी आइकन है ना ब्लूटूथ का, इसे उंगली से दबा के रखना है तो आपका ब्लूटूथ का पेज आ जाएगा। अब देखिए इस वाले पेज में आपको ये ऑफ के सामने जो बटन है इसे ऑन करना है, तो आपका जो ब्लूटूथ है वो स्कैनिंग होने लग जाएगा। तो सामने वाले पर्सन का जो ब्लूटूथ का डिवाइस होगा ना वो ऑन होगा, तो उसका जो डिवाइस का जो नेम होगा वो आपको नीचे यहाँ पे दिखाई देगा आपके फोन में। इसे आपको डिवाइस के नेम को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जो नेम है। तो यहाँ पर आपका पेयर का ये पेयर होने लग जाएगा, तो पेयर का एक पेज आ जाएगा थोड़ी देर में सामने वाले के डिवाइस में और आपके इस वाले पेज में आप देख सकते हैं पेयर का। तो सामने वाले डिवाइस में भी पेयर का ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है और नीचे भी आपको पेयर पे सिलेक्ट कर देना है। तो इससे आपके मोबाइल फोन का जो ब्लूटूथ है वो दूसरे डिवाइस के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन के ब्लूटूथ को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना।